राजस्थान के उद्योग मंत्री शकुंतला रावत ने बैठक में इन्वेस्ट राजस्थान की नई तिथि की घोषणा की। अब 7 से 8 अक्टूबर को इन्वेस्ट राजस्थान का आयोजन होगा। पहले ये समिट जनवरी में तय होनी थी, लेकिन कोरोना के चलते इसे स्थगित करना पड़ा। वहीं राजगढ़ में मंदिर तोड़ने के मामले में मंत्री ने कहा कि वसुंधरा राजे के कार्यकाल में सबसे ज्यादा मंदिर तोड़े गए, तब कोई सड़कों पर नहीं उतरा। बीजेपी पूरे मामले में राजनीति कर रही है। इसे मौके पर राजीव अरोड़ा, अतिरिक्त मुख्य सचिव वीनु गुप्ता भी मौजूद रहे। इन्वेस्ट राजस्थान की नई तिथि घोषित, अब 7 से 8 अक्टूबर को होगा इन्वेस्ट राजस्थान। उद्योग मंत्री शकुंतला रावत ने इस चीज की जानकारी दी। तो वहीं तिथियों की घोषणा पहले जनवरी में होनी थी समिट, लेकिन कोरोना के चलते स्थगित करनी पड़ी थी समिट। तो वहीं अब नई तिथि यहां पर घोषित कर दी गई है। इन्वेस्ट राजस्थान की नई तिथि घोषित की गई, पहले जनवरी में ये समिट होने थी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ जयपुर से संवाददाता दशरथ जुड़ चुके हैं। दशरथ, इन्वेस्ट राजस्थान की नई तिथि यहां पर घोषित कर दी गई है, तो वहीं जो तिथियां जो सबमिट है वो कोरोना की वजह से रोक दिया गया था, तो वहीं अब फिर से इसको तिथि नई घोषित कर दी गई है, क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर? देखिए, पहले जनवरी माह में प्रस्तावित थी इन्वेस्ट सबमिट, लेकिन अब कोरोना की वजह से उस वक्त इस डेट में इन्वेस्ट सबमिट नहीं हो पाई और अब एक नई तिथि जारी की गई है आज ही, जिसमें 7 और 8 अक्टूबर की नई तिथि है। अक्टूबर माह में ये प्रस्तावित रहेगा राजस्थान इन्वेस्ट समिट। हालांकि उद्योग मंत्री का ये दावा है कि राजस्थान सरकार लगातार निवेशकों के संपर्क में है और खासतौर से गर्मी के मौसम की वजह से जून जुलाई में ये तिथियां संभव नहीं थी, तो ऐसे में अक्टूबर माह में नई घोषणा जो है वो तिथियों की गई है। 7 और 8 अक्टूबर को जयपुर के अंदर सीतापुरा के अंदर ये इन्वेस्ट सबमिट होगी, ये जानकारी शकुंतला रावत जो विभाग की मुखिया उनकी तरफ से दी गई। दीपिका, दशरथ, क्या कुछ खास इस सबमिट में देखने को मिल सकता है इन्वेस्ट राजस्थान में? देखिए, इस सबमिट में खास तौर पे इन्वेस्टर्स जो है, चाहे वो देश के विदेश के हैं या राजस्थान से जुड़े हैं, उनको मौका दिया जाएगा। राजस्थान सरकार लगातार एमओयूज कर रही है अलग अलग सेक्टर के जो उद्योगपति हैं उनके साथ में, और लगातार ये जो एमओयू वो साइन किए जा रहे हैं और खास तौर पर एक विधिवत जो कार्यक्रम की जो शुरुआत है, जिन जिन लोगों के साथ ये एमओयू किए जा रहे हैं वो धरातल पर कैसे उतरे, कैसे राजस्थान में निवेश की संभावनाएं और बढ़े, राजस्थान के लोगों को रोजगार और कैसे ज्यादा तादाद में बेहतर तरीके से उपलब्ध हो, इन तमाम चीजों को लेकर ही 2 दिन का ये कार्यक्रम जयपुर में रहेगा, जो 7 और 8 अक्टूबर को होने की संभावना ही नहीं बल्कि प्रस्तावित है कि 7 और 8 अक्टूबर को इन्वेस्ट समिट होगी 2 दिन की जयपुर में। बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा कि देश और विदेश से सारे इन्वेस्टर्स यहां पर आएंगे, तो यहां पे जो उद्योग वर्ग है उसको नए आयाम इसको स्थापित हो सकते हैं, उसके इंक्रीज के लिए, उसके प्रोसेस के लिए कुछ दिशा में आगे बढ़ रही है। कई जो एमओयूज हुए हैं वो धरातल पर उतर रहे हैं, जमीन उपलब्ध सरकार की तरफ से कराई गई है, उद्योग विभाग की तरफ से कराई गई है। इसके अलावा अलग अलग जो स्टेट्स हैं, दूसरे स्टेट्स, वहां पर भी सरकार के मंत्री गए थे और वहां पर कार्यक्रम रखे गए थे, वहां के जो उद्योगपति हैं उनको भी मौका दिया गया था राजस्थान में इन्वेस्ट के लिए। तो लगातार इस दिशा में सरकार कदम आगे बढ़ा रही है और इसी के मद्देनजर एक विधिवत जो कार्यक्रम है वो 2 दिन का रखा जाएगा अक्टूबर में। हालांकि इससे पहले मंत्री की तरफ से कहा गया है कि इससे पहले भी जो धरातल पे चीजें उतर रही है, लगातार जो एमओयूज हो रहे हैं उसका काम जो है वो लगातार प्रगति के है और राजस्थान में लोग निवेश कर रहे हैं, चाहे देश हो या विदेशों की बात कर। जी दर्शक, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।